जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे हा। और इनके अंदर ये देखो भाई, रस दिखाता हूँ तुम्हें, जो एकदम सहज जैसा होता है, ये देखो गिरा एकदम, ये देखो। मोहब्बत वाला झूठा है। फ्राइडे 24 है आज, और अभी खोद रहे हम खेत, और टाइम पता नहीं, टाइम 10:56 11 बजने वाला है टाइम। और यहाँ पे थोड़ा छोटा सा खेत है, इसे खोद रहे हैं, फिर इसमें बोएंगे कुछ। ये अपना अंगूर का पेड़ था, ये पता नहीं सूख क्यों गया। और ये है अपने बॉस है, और जैसा मैंने तुमसे कहा था परसों, पढ़ाई करो पढ़ाई भाई, बस दिमाग लगेगा, मेहनत लगेगी तो बहुत कुछ लगेगा। सजना जी तेरे बिना जिया लागे ना, हम रब से मांगे तुझे और कुछ मांगे ना, लकीरें साथ मांगे गेरों का रंग भावे ना, किस्मत मंजूरी ना दे तू ही मन को भावे ना, परदेसी बिना तेरे शहर की गलियां सुनी, होली में रंग नहीं ईदी में भी चांदनी नहीं, कहने को महीना ये मोहब्बत वाला झूठ। चलो भाई, थोड़े बहुत गुरास तो हो गए इस पेड़ से, काफी सही पेड़ था ये, छोटा छोटा, तो बिना ज्यादा संघर्ष किए थोड़े बहुत मिल गए। अब आगे चलते हैं प्रेम से, ये देखो क्या मस्त हो रहे हैं एकदम। और इनके अंदर ये देखो भाई, रस दिखाता हूँ तुम्हें, जो एकदम सहज जैसा होता है, ये देखो गिरा एकदम, ये देखो। और ये एकदम हनी से भी मस्त होता है, काफ़ी मीठा और काफ़ी वो धांसू, ये देखो ये मज़ा आ गया। देते गुरास ही गुरास है भाई, ये पानी भी रहा है, देखो प्यास लग गई है इसे, आजा नीचे पिएगा साफ साफ पानी। The next day. आज है 25 February सैटरडे, और टाइम हो रहा है 7 बजने वाले हों, इतने बज गए हैं देखो ये, इनसे मतलब वो अलग करना पड़ता है। ये देखो खाली फूल ही फूल, ये वाइट वाला अलग, जैसे मैं कैसे दिखाऊं यार, ये देखो ये फूल है, जो इसके अंदर के वाइट वाले भी निकालने पड़ते हैं, ये खाली फूल ही फूल, तो इसी काम में लग गया है 2 घंटा। चलो भाई अब चलते हैं यार रूम से, और ये थैले पकड़ते हैं इनमें फूल। तो भाई फाइनली यार गेट के पास पहुंच गए हैं, घर से ज़्यादा व्लॉग तो किया नहीं हमने, जॉनी भाई लोग जॉल जी भी पहुंच गए, और यहाँ पे बिल्ली कैसी लग रही है देखो, शेर भी ऐसा ही लगता है, बस इससे थोड़ा बड़ा होता है। एक बार ऊपर मार्केट में जूस बनाने को देते हैं, और पिथौरागढ़ सामान भिजवाना है, तो गाड़ी देखते हैं पिथौरागढ़ की कोई, चलो स्टैंड में चलते हैं पहले। A few inches later. तो चलो भाई पिथौरागढ़ को तो भिजवा दिया सामान, अब बस जूस बनाना बाकी है, फिर करते हैं जॉनी भाई को कॉल, कहाँ है करके जॉनी भाई, एक बार शर्ट शूट ये जूस बनाने को दे के आते हैं। और गाड़ी के गियर फंस जाते हैं यार, सबसे बुरा तो ये है। और यहाँ से राइट को GIC वाली रोड में जाना है, ये चिड़ियाओं को पता नहीं क्या हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिशें करी जा रही हैं, कोशिशें करी जा रही हैं। बुरांस 3.5 किलो, 3.5 किलो, कितना कितना वो लीटर निकलेगा इनसे दाई? 3.5 ही निकलेगा। 3.5? 5 किलो चीनी। हाँ बनाओगे? हाँ 8.5 लीटर। ये दो वो हैं, इससे क्या होगा फिर? क्यों? हाँ बाकी यहाँ से कर देना। कैसे हो? कैसे हो? बस सर सही हूँ, आप बताओ कैसे हो? बस बढ़िया, जिंदा है? जिंदा हो? कहाँ जा रहे हो? हम ये दूध दे के आते हैं। कहाँ? नीचे। सही सही, दूध तो फुल फुल भर के ले जा रहे हो यार। देखो ना, देखो कोई शिकायत नहीं कहा। जॉल जी भी मैं वेट कर रहे हैं जॉनी भाई अपना, और 30 किलोमीटर है यहाँ से जॉल जी भी, तो शर्ट शूट चलते हैं यार जॉल जी भी को अब। तो भाई फाइनली आज जाएंगे हम नीचे वाली रोड में, काफ़ी टाइम कहते हैं धारचूला जॉल जी बी वाली रोड नीचे को है, तो नीचे को चलते हैं। बाकी पिथौरागढ़ 43 किलोमीटर है, वो आज इस तरफ वाली रोड में, नीचे वाली रोड में आज वो है। ये इसके हो रहे हैं मज़े, तो ये बंदर सही है, डर नहीं रहे, वरना काफ़ी डरते हैं और काटने भी आते हैं यार। और गाड़ी यार सोकर इतने लीक कर रहे हैं ना भाई यार, लीन करने में काफ़ी डर लग रहा है, और ब्रेक भी नहीं आते अगर ऑयल ब्रेक में चले गया तो।
तो काफ़ी प्रॉब्लम है। और जॉनी भाई जॉल जी भी पहुंचने वाले हैं और काफ़ी ठंडा लग रहा है यार। देखो ये ऊन का है, इसके अंदर कुछ नहीं है तो हवा पास हो जाती है मतलब ना, तो कुछ ऐसा चाहिए जिसके अंदर हवा पास ना हो पाए। और यही गलती मैं बार बार करता हूँ, यही जैकेट पहन के आ जाता हूँ यार भाई छी, प्यार व्यार नहीं करता मैं। ओए 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 ऐसे में ब्रेक नहीं आ पाते इतने जल्दी, देखो भाग कितने जल्दी जा रही है, उतने जल्दी ब्रेक नहीं ले पाती है अपनी जान। जैसे भागती है ना वैसे तो इसमें ब्रेक नहीं आते यार, तो इसमें ब्रेकिंग की वो भी बनानी है अपने ने। अस्कोट 6 किलोमीटर, तवा घाट 63, और आज तो तवा घाट से भी दूर जाना है। तो भाई ये देखो यार गाय की बच्ची का स्केलेटन, शेर वगैरह ने खाया होगा, पूरा ही खा रखा है यार। और पत्थर देखो यार यहाँ को बड़े हजम हजम पत्थर हैं नीचे से कटे हुए, देखो ना ये लटक रखे हैं छोटे छोटे, भूकंप आएगा तो गिरेंगे। मस्त मस्त एकदम। ये देखो जॉनी भाई और पॉपिन भाई भी पहुंच गए हैं, बढ़िया जॉल जी भी, अब चलते हैं यहाँ से। ये मिल गए हैं भाई लोग, बढ़िया, चलो अब चलते हैं। और देखो भाई ये अपनी जॉल जी भी की मार्केट, बढ़िया, बस थोड़ी रोड बढ़िया नहीं है, थोड़े गड्ढे वड्ढे हैं और अपनी गाड़ी भी ज़्यादा ही बसती है। और देखो जॉल जी भी में जो मेला लगता है ना यार, उसके लिए यहाँ से जाते हैं नीचे, कहाँ पे है पुल, ये देखो जॉल जी भी मेले में आपका हार्दिक स्वागत है। बट ये आजकल तो नहीं लगता, जब मेले वगैरह लगते हैं तभी लगता है। और मार्केट बड़ी है जॉल जी भी की भी, काफ़ी काफ़ी बड़ी, काफ़ी बड़ी तो नहीं मतलब बड़ी है, ठीक ठाक है, इससे बड़ी क्या चाहिए। बलवाकोट 11 किलोमीटर, बस 11 किलोमीटर है बलवाकोट। लंगूल लड़ ले आपस में, लड़ ले हो सालो, मार खाओगे मार, दोनों को मारूंगा बहुत, लड़ाई बड़ाई करोगे तो। यहाँ पे लंगूरों की गैंग, चलो फिर मिलो, मिलते हैं, चल ठीक है मिलते हैं। तो चलो भाई अब थोड़ी बहुत बलवाकोट की मार्केट घूमते हैं। और KTM क्या मस्त बनाई है भाई ने, रोड पहुंचते ही घर और घर बनते ही ब्रेकर। नहीं यार उसकी लाश मिली थी मलबे से, काफी खतरनाक हादसे होते हैं यार पहाड़ों में। ये देखो वहां पे सनसेट भी होने वाला है अब, लेकिन GoPro पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे काफी हिल रहा है। ये देखो जॉनी भाई पॉपिन भाई लोग जा रहे हैं वहां को, और यहाँ से देखो यार व्यू सबसे प्यारे तो ये पहाड़ और खेत लग रहे हैं मतलब ना, और सामने पे सनसेट और नदी। आगे से चलते हैं, आगे से और मस्त व्यू है भाई। ये देखो यार ये है बलवाकोट, और क्या मस्त लग रही है, देखो पूरा क्लियर व्यू, वी बन रखा है, देखो वी वी काफ़ी सही।
काफ़ी प्यारा व्यू है और अब तो सनसेट भी हो ही गया है, बादल हैं काफ़ी आज। अब बढ़िया चलते हैं और पेड़ देखो यार, पेड़ क्या मस्त लग रहे हैं। तो भाई अभी हमें काफ़ी सारे भाई मिल गए थे हमारे, तो काफ़ी अच्छा लगता है यार जब भाई लोग मिलते हैं। तो ऐसे ही मिलते रहो यार भाई लोगों, लव यू, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखो, ऐसे ही प्यार बनाए रखो भाई के ऊपर। बस ऊपर जाएंगे करके कई बड़ी नदी आती ना वैसे बारिश के टाइम पे। तो भाई ये देखो ये सारे रास्ते बंद हो गए हैं रोड आने की वजह से, वरना पुराने रास्ते ही हैं ये जो यहाँ से जा रहे हैं। अब तो कोई जाता ही नहीं, कह रहे हैं दीवा भाई इन रस्तों। और दीवा भाई का गाँव कौन सा है? सामने। ओ ओए क्या ठंडर चमकी है यार, काफी खतरनाक। हाँ ये देखो मौसम मतलब टोटली खराब हो रहा है यहाँ के, कैसे हो रहे हैं बादल देखो। देखो भाई जहाँ पे मेरी उंगली पहुंची है ना वहाँ पे लाइट जली है, देखो ये पता नहीं क्या कर रही है भाई, इतने दूर से दुनिया से पता नहीं क्या नफरत होगी ऐसे जो इतने दूर जाके बस गए और नेपाल में है वो घर लगाओ, इतनी ऊंचाई में ना भाई और रास्ता होगा रोड नहीं है। हाँ दुनियादारी का बहुत दुख हो गया भाई को, मतलब ना उसने कहा हटाओ दुनियादारी और पहाड़ के टॉप में बैठ गया। देखो भाई लोग मौसम देखो यार, मौसम क्या धांसू हो रहा है, मतलब आँख को तो काफ़ी क्लियर लग रहा है, मतलब गोप्रो में तो मतलब जहाँ पे लाइट है वहाँ पे ज़्यादा ही लाइट लग रही है, बट आँखों को ऐसा लग रहा है ना काफ़ी कातिलाना। तो भाई ये देखो हवा इतनी तेज़ चल रही है, गाड़ी टेढ़ी हो जा रही है, लगाओ तुम मतलब ना अगर न्यूट्रल रखेंगे तो। ये देखो ये पूरी मतलब गाड़ी को पीछे को धकेल दे रही है हवा, इतने फोर्स में चल रही है यार। पेड़ देखो तो मिलते हुए, तो कह तो रहा हूँ मैं तुमसे बारिश नहीं तूफान आने वाला है। तो भाई फाइनली पहुँच गए यार बलवाकोट की मार्केट, और अपनी लाइट ख़राब हो गई यार गाड़ी की, तो क्या कर सकते हैं कुछ नहीं। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक का ध्यान रखो और मज़े करो यार भाई लोग।